जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम है विजित कुमार। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन के प्रादेशिक समाचार के चैनल जिखर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। चल आज की जो 20 बड़ी खबर निकल कर सामने आते छत्तीसगढ़ से, जिला आप मन जान लेना बेहद जरूरी है। ओला बताओ 20 फटाफट बड़ी खबर में आप मन बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुछ बड़े ऐसे ऐलान निकल कर सामने आए हैं जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। साथ साथ कुछ ऐसे बड़े नए नियम लागू होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे न्यूज हम आप तक डेली प्रतिदिन रोज पहुंचाते रहें। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गरीबों का मुफ्त उपचार करने के लिए अब दिल्ली की तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक। जी आपको बता दें कि नगर निगम स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को उनके घर के पास मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने की कवायद में जुट गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है, जबकि निजी कंपनियों को इसकी जवाबदेही सौंपी जाएगी। और राजधानी रायपुर और बिलासपुर नगर निगम सहित प्रदेश के 11 नगरीय निकायों में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है, यानी कि ये आपको जल्द ही आपके अपने शहरों पर देखने को मिल सकेंगी। तो दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले जहां आपको बता दें कि राज्य भर में बस सेवा की शुरुआत तो हो गई है मगर पहले दिन 80% गाड़ियों को नहीं मिले कोई भी यात्री। जी आपको बता दें कि रायपुर से प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख इलाकों के लिए रवाना की गई थी बस, जबकि बस संचालकों को उम्मीद थी कि लगभग 15 दिनों के भीतर रौनक लौटेगी। जी आपको बता दें कि राज्य में बस सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन ऐसे में लॉकडाउन के बाद रविवार को पहली बार जो बस रायपुर के पंडरी बस स्टैंड पहुंची, जबकि कम दूरी के क्षेत्रों के लिए यहां से बस रवाना की गई और शाम के वक्त लंबी दूरी की बसें भेजी जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जो रायपुर में तकरीबन 100 बसों को बुकिंग के लिए लगाई गई है, लगभग 20 यात्री गाड़ियों को ही यात्री मिल पाए। दोस्तों आपको बता दें कि आज प्रदेश में पूरी सभी जगहों पर जो बस सेवा है वो लिमिट मात्रा यानी कि सीमित मात्रा में शुरू कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि जो कम रूट वाले जो बसें हैं उनको फिलहाल नहीं शुरू किया गया है। दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ आप तक डेली प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ई कोर्ट के जरिए 11 जुलाई को जिले में होगी लोक अदालत। जी आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम आपको कुछ दिनों पहले बता रहे थे कि जो लोक अदालत है वो अब शुरुआत होने वाली है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे में अब इस महामारी के संकट में जो होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई भी डिजिटल तरीके से होने वाली है, जिसकी तैयारियों पर चर्चा के लिए न्यायाधीशों ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक की है। और इसमें न्यायाधीशों ने बताया कि लोक अदालत के लिए आवेदन 10 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, बल्कि जबकि 11 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में कोई भी पक्षकार या अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी फिलहाल की अभी तक की खबर। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा, जबकि दंतेवाड़ा में कई गांव मुख्यालय से कटे और पुलिया भी डूब गई। जी आपको बताया कि रायपुर सहित प्रदेश भर में जमकर बरसा है पानी, जबकि रायपुर में शाम व रात के समय हो सकती है बारिश। जोरदार बारिश के साथ ही आषाढ़ की विदाई भी हुई, इसके साथ सावन भी लग गया है और आपको सावन माह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून के असर से प्रदेश में फिर से जमकर बारिश शुरू हो गई है और शनिवार की रात से लेकर रविवार तक, साथ ही साथ सोमवार और मंगलवार तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि रविवार तक राज्य के कई हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी भी बरस गया, जबकि 50 से ज्यादा स्थानों में हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हुई और कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में भारी से लेकर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में बढ़े जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में गाया जाएगा राज्य गीत। जी हां, राज्य गीत अरपा पैरी के धार, जिसको राज्य गीत के रूप में स्वीकार किया गया है, तो इस शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट में और अनुदान प्राप्त स्कूलों की प्रार्थनाओं में अब राज्य गीत अरपा पैरी के धार को भी गाया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने राज्य गीत अरपा पैरी के धार को प्रार्थना में शामिल करने का निर्णय ले लिया है।
इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अधिशेष चावल से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देने का केंद्र से आग्रह किया गया है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति देने के संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया था, जबकि मुख्यमंत्री के आग्रह पर राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की 24 अप्रैल 2020 की बैठक में भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के खाद्य सचिव ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में अधिशेष 4 लाख मीट्रिक टन चावल से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। दोस्तों जल्द ही एथेनॉल की जो स्थापना है, जो कारखाना है, उसका स्थापना जल्द ही छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो दोस्तों ही साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुम्हार अब होंगे हाईटेक, क्योंकि बांटे जाएंगे 1100 इलेक्ट्रिक चौक। जी आपको बता दें कि इस महामारी के काल में तेजी से जाती नौकरी और रोजगार एक बड़ा सवाल है, जबकि वहीं भारत के चीन के बीच जो तनातनी है, इसके बाद से चीनी सामानों का बहिष्कार लगातार होने लगा, इससे आर्थिक स्थिति भी चौपट होने लगी है। ऐसे में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की ओर से एक अच्छी पहल की जा रही है। विभाग अब छत्तीसगढ़ के कुम्हारों को हाईटेक बनाने की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए उन्हें मॉडर्न ट्रेनिंग के साथ इलेक्ट्रिक चौक भी मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए ग्राउंड स्तर पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में बढ़े, लेकिन आपको दारे की जो अगली बड़ी खबर है वो आपके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको दारे की थोक में 40 का टमाटर खरीद कर 80 रुपए किलो में बेच रहे हैं बिचौलिए, जबकि 30 रुपए कमा रहे हैं मुनाफा। जी आपको दारे की कम आवक और अच्छी बारिश से जो है माफ कीजिए कम आवक और बारिश से दाम बढ़ गए हैं, जबकि सब्जी विक्रेता बोले डीजल की कीमत का असर निकल कर सामने आया है। जी आपको दारे की दुर्ग बिलासपुर की थोक मंडी जो 30 से लेकर 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर है, वो अब जिले में 60 से लेकर 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसा ही नहीं बल्कि हर एक सब्जियों के दाम लगभग से लगभग दोगुने से लेकर तीन गुने और चौगुने तक भी पाए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर बिल्कुल भी निकल कर सामने नहीं आ रही है फिलहाल आप लोगों के लिए, लेकिन इसको सहन करना बनता है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में होटल व रेस्टोरेंट में संचालित जो बार हैं वो 12 जुलाई तक रहेंगे बंद। जी आपको बता दें कि इस संक्रमण को देखते हुए एक बार राज्य के सभी रेस्टोरेंट जो है होटल और सभी क्लब में संचालित बार को बंद करने की अवधि 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के अवर अपर सचिव जो मरियानुस तिग्गा ने रविवार को आदेश इसके लिए बकायदा जारी किया है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर कीपैड वाले फोन से हो सकेगी ऑनलाइन पढ़ाई, छत्तीसगढ़ में एक अनोखा प्रयोग निकल कर सामने आया है। जी आपको बता दी कि अब न इंटरनेट कनेक्टिविटी का झंझट और न ही आंखों को कोई खतरा, अब कीपैड वाले साधारण मोबाइल से भी ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी, जबकि इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर मैन पार्ट के दूरस्थ पहुंच विहीन गांवों में नेट कनेक्टिविटी संभव नहीं था, जबकि साथ ही जनजातीय समुदाय इतना संपन्न भी नहीं था कि वह अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध करा सके। लेकिन इन सबको देखते हुए राज्य सरकार अब कीपैड वाले मोबाइल से ही ऑनलाइन पढ़ाई की तैयारियां कर रही है। तो दोस्तों इसी साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जहां पर चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी न्यूज़ आप तक जो है प्रतिदिन पहुंचाते रहें। दोस्तों अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि 100 साल पुरानी गणेश उत्सव की परंपरा की चेन टूट रही है, मूर्तिकारों के पास ऑर्डर ही नहीं है। जी आपको बता दें कि इस संक्रमण को देखते हुए समितियों ने उत्सव की तैयारियां शुरू नहीं की हैं, जबकि नुकसान झेल रहे हैं, जबकि 2 माह पहले ही तैयारियों में जुटते थे। अभी फिलहाल इस संकट की स्थिति में कोई भी जो मूर्ति है वो नहीं बनाना चाहेंगे। जी आपको बता दें कि शहर की पहचान हाकी और झांकी से है, जबकि झांकी यानी कि गणेश उत्सव की चर्चा तो देश भर में होती है, पर इस बार 100 से ज्यादा साल पुरानी इस परंपरा पर इस जो स्थिति है उसका खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से सालों पुरानी इस परंपरा की चेन टूटती हुई नजर आ रही है, जबकि गणेशोत्सव को 1.5 माह शेष बचे हैं, पर इस मूर्तिकारों के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले की तरह इनके पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, जबकि समितियों ने न तो तैयारियां ही शुरू की है और न ही ये असमंजस में है। दोस्तों आपको दारी कि ये फिलहाल असमंजस में है कि आखिर इस बार क्या करना होगा।
तो वहीं एक और अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बता दें कि लिंग अनुपात ने साबित कर दिया कि बेटियों की सुरक्षा में छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के प्रयास अब असर दिखाने लगे हैं, क्योंकि यही कारण है कि जन्म के समय लिंग अनुपात में छत्तीसगढ़ देश भर में टॉप पर है। जबकि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2018 के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों की तुलना में 958 महिलाएं हैं। जबकि इतना ही नहीं, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लिंग अनुपात 976 तक पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक सर्वाधिक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर सामने आता है। तो दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जिन स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर नहीं, वहां प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिना अंकसूची वितरण के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जबकि बच्चों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास व बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। ये प्रक्रिया उन स्कूलों में शुरू हुई है जिन्हें क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया था। जबकि इधर 30 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे, अतः इस महामारी के चलते स्कूल को बंद करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। जबकि केवल जुलाई महीने में प्रवेश के लिए स्कूल खोलने के आदेश हैं। इधर जिला शिक्षा अधिकारी रॉबर्ट मिंच का कहना है कि जिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया है, वहां प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैसे ये खबर निकल कर सामने आई है महासमुंद जिले से। तो दोस्तों के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, हम उपचुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिलासपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया है। जबकि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर जताई है संतुष्टि। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बिलासपुर पहुंचे, यहां क्षेत्र के विधायक शैलेश पांडे और कुछ अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने मरवाही उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि मरवाही जोगी का गढ़ रहा है, अब अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो क्या तैयारियां हैं, तो जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसे लोगों के कारण हमें सत्ता से 15 साल वंचित रहना पड़ा है। जबकि मरवाही का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो दोस्तों और इसको हम सब गंभीरता से ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे लोगों के कारण से हमको 15 साल वंचित रहना पड़ा। अब पूरा प्रदेश जान चुका है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि व्याख्याता से लेकर भृत्य तक की होगी संविदा भर्ती। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल की सेटअप को शासन ने दी है मंजूरी, नियुक्ति प्रक्रिया 3 दिन में हो जाएंगी शुरू। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल के सेटअप को शासन की मंजूरी मिलने से स्कूल में जो भर्ती का रास्ता है वो अब साफ हो गया है। यहाँ पर व्याख्याता से लेकर भृत्य के पदों पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। जबकि राज्य शासन ने प्रदेश में नए शिक्षा सत्र से शुरू हो रहे 40 उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेटअप की मंजूरी दे दी है। जबकि प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्त से भरा जाएगा, जबकि नवीन शालाओं में व्याख्याता से लेकर भृत्य तक के पदों की नियुक्ति संविदा के आधार पर होने वाली है। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ यह वीडियो हर एक जानकारी, हर एक छत्तीसगढ़ की वीडियो हर एक छत्तीसगढ़ वासियों तक जरूर पहुंचाइए यह वीडियो, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।